नोटिस राइटिंग जो कि क्लास 12th की राइटिंग कॉम्पोजिशन का फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हम अपने मार्क्स को इजीली सिक्योर कर सकते हैं। सो हम बात करते हैं नोटिस राइटिंग की, तो सबसे पहले आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो वर्ड्स लिमिट दी गई है वो 50 वर्ड्स है, 50 वर्ड्स में हमें इसे क्लोज करना होगा। सेकंड, जो इसका मार्क्स वेटेज दिया गया है, यहाँ हमें 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। सो सबसे पहले हम नोटिस के लिए इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं कि नोटिस में हमें कहाँ कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए यहाँ हमें मिलने वाला है 1 मार्क्स, देन हमें कंटेंट के लिए मिलेंगे यहाँ पे 2 मार्क्स, और हमने उस टॉपिक को कितना अंडरस्टैंड किया है, यहाँ पे हमारे स्पेलिंग एरर और ग्रामर भी चेक की जाती है, उसके लिए हमें मिलेगा 1 मार्क्स। अब बात करते हैं कि नोटिस का काम क्या है, नोटिस लिखा ही क्यों जाता है। तो नोटिस जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये एक रिटन अनाउंसमेंट होता है फॉर अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। अब हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम एक एक को तो जाके बताने से रहे, तो उसके लिए नोटिस लिखा जाता है। तो नोटिस जो है वो बेसिकली इवेंट, फंक्शन, ओकेशन या लॉस्ट एंड फाउंड के लिए लिखा जाता है। समटाइम्स क्या होता है ना कि हमें अपना सरनेम चेंज करना होता है या फिर हम अपना रेजिडेंस चेंज कर रहे होते हैं, तो उसके लिए भी नोटिस लिखा जाता है। तो अब बात करते हैं कि नोटिस लिखा कैसे जाता है। तो नोटिस के लिए सबसे पहले नोटिस जो है वो एक बॉक्स में लिखा जाता है। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप जो है पहले अपना नोटिस लिख लें, उसके बाद में ही लाइंस को ड्रॉ करें, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि हमारा जो बॉक्स है वो छोटा पड़ जाता है, फिर हमें इसे क्रॉस करके नया बॉक्स बनाना पड़ता है और फिर उसमें टाइम भी जाता है। सो नोटिस जो है वो जो बिल्कुल आपके बॉक्स के बीच में लिखा जाएगा, और याद रखिए जब भी आप नोटिस को लिखें तो नोटिस को बोल्ड या कैपिटल लेटर में ही लिखें। देन उसके बाद में आएगा हमारा नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। यहाँ पे आपको जो भी आपका अथॉरिटी नेम या फिर आपका स्कूल नेम या फिर आपका कॉलेज नेम जो भी आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रखा है वो यहाँ पे आएगा। ओके, उसके बाद में आपको यहाँ पे डालना है डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो डेट डलेगी वो आपकी करंट डेट होनी चाहिए है, जिस दिन नोटिस लिखा जा रहा है उस दिन की डेट यहाँ पे आएगी। और जो डेट लिखेंगे आप यहाँ पे, जो नोट डेट लिखने का जो स्टाइल होगा वो यही रहना चाहिए है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद हम अपना नोटिस लिखना स्टार्ट करते हैं। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, ये नोटिस के लिए कॉमन लाइन रहती है, आप इस लाइन को याद कर सकते हैं, आप इस लाइन को चाहे जो भी नोटिस लिखें उसमें ये लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद में हम जो है वो अपना इवेंट को है उसको डिस्क्राइब करेंगे। सो यहाँ पे हम बात करेंगे डेट, डे, लोकेशन, ड्यूरेशन। ये आपके अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो वेल एंड गुड, अगर ये नहीं दिया गया है तो ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे जो डेट डलेगी वो आपके डेट ऑफ इशूइंग की अगली डेट होनी चाहिए है, क्योंकि नोटिस तो हम पहले ही देंगे ना, तो यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसे ध्यान में रख के हम अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो एक बात और यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे डेट ऑफ इशूइंग में जो आप डेट डालेंगे वो आपकी नोटिस के लेफ्ट कॉर्नर में ही आएगी, और यहाँ जो आपका इवेंट का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो वहाँ हमें अननेसेसरी डिटेल्स नहीं देनी है बिकॉज ऑफ वर्ड्स लिमिट। हमें 50 वर्ड्स में अपना नोटिस कंप्लीट करना है, सो हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट डिटेल्स ही देनी है। हमारा जो नोटिस है वो शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव ही रहना चाहिए है, और ये आपका जो है पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा। उसके बाद में हम जो लास्ट में हम डालेंगे 4 फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडर साइन। सो ये अगेन आपकी यहाँ कॉमन लाइन रहेगी, इसे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में जो है हमें नोटिस एंड करना है नेम एंड डेसिग्नेशन के साथ। ओके, ये थी आज की हमारी नोटिस की क्लास। सो आई होप ये आपको क्लास समझ आई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिपोर्ट राइटिंग।